मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद अब भाजपा और कांग्रेस की निगाह उपचुनाव पर टिकी है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट उपचुनाव को लेकर पार्टी का जायजा लेने ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और भाजपा पर खरीद फरोख्त करने का आरोप भी लगाया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीति गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने उपचुनाव को लेकर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस यहां चुनाव जीतेगी। भनोट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने खरीद फरोख्त की राजनीति की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पार्टी की विचारधारा अलग है और उनके पार्टी के कार्यकर्ता अपनी विचारधारा से ही चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, कमलनाथ सरकार में किसानों का कर्ज माफ किया गया। टिकट दावेदारी को लेकर भनोट ने कहा कि उनका हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में सक्षम है। टिकट को लेकर सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा काम है संगठन को मजबूत करना। सभी कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करें और कार्य करें। मात्र ये है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन मिलजुल कर काम करे और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी बात को सुने। और आप सबको पता है कि आने वाले समय पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो वो उपचुनाव किन कारणों से हो रहे हैं ये सबको पता है, क्षेत्र की जनता को पता है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है। हमारा उठाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है अभी कि कांग्रेस पार्टी के संगठन के साथ तालमेल बनाकर कैसे आने वाले उपचुनाव की चुनौती को हम बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं उससे और काम करें। उन सब ने जिनने दावेदारी की है, यही तो लोकतंत्र का मजा है। और कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है कि हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है और उनकी दावेदारी को मैं ये मानता हूँ कि ये एक जिस प्रकार का माहौल पार्टी के पक्ष में है, जो जज्बात कार्यकर्ताओं के हैं और जो क्षेत्र की जनता का मन है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर कुछ दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। पर सबका संकल्प यह है कि ग्वालियर चंबल के सम्मान को, कांग्रेस पार्टी के सम्मान को और इस क्षेत्र की जनता के सम्मान को उपचुनाव में कैसे हम वापस जो खंडित हुआ है उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा, ये सारी बातें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में है। मैं टिकट बांटने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक 3 रुपए की भरी भर के सदस्य बना हुआ कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर आया हूँ। मैं पूर्व मंत्री या विधायक की हैसियत से भी नहीं आया हूँ। और मैंने तो ये कहा है कि मैं भी एक बूथ लेकर उस पर मैं भी काम करूंगा और उस बूथ का प्रचार से लेकर पर्ची बांटने का जिम्मा भी मैं उठाऊंगा। तो मुझे तो यहाँ पार्टी संगठन ने तालमेल कर सबको साथ में लेकर काम करने के लिए भेजा है। तो हमसे टिकट की बात ना करें। मैं बड़ा स्पष्ट कर चुका हूँ सारे वरिष्ठ नेताओं के, और कई सारे तो ऐसे टिकट मांगने वाले या दावेदार हैं जो मुझसे भी वरिष्ठ थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।